गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 5, फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो स्टार्ट करते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल। फ्रूट का मतलब होता है फल, एंड का मतलब और वेजिटेबल मतलब सब्जियां। तो फल और सब्जियों के बारे में हम इस चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। मैच द पिक्चर ऑफ प्लांट गिव विथ गिवन नेम ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल। अगेन रिपीट, मैच द पिक्चर ऑफ प्लांट विथ गिवन नेम्स ऑफ नेम ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल। अगर देखते हैं मैच मतलब मिलाइए, द पिक्चर मतलब चित्रों को, ऑफ प्लांट पेड़ों की या पौधों की, विथ गिवन दिए गए, नेम ऑफ फ्रूट फल के नाम या सब्जियों के। तो चित्रों को फल के नाम या सब्जियों के नाम से मिलाइए। तो आपको ये जो चित्र दिए गए, इनको यहाँ पर आपको जो सब्जियों के नाम दिए गए हैं, इनसे आपको मैच करवाना है। यहाँ पर दिया गया है लेट्स अंडरस्टैंड। लेट्स का मतलब आओ, अंडरस्टैंड मतलब समझते हैं। तो आओ समझते हैं। सम प्लांट्स नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर। अगेन रिपीट, सम प्लांट्स नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर। सम मतलब कुछ, प्लांट्स मतलब पौधे, नीड मतलब आवश्यकता होती है, सपोर्ट मतलब सहारे की, टू क्लाइंब अप ऊपर चढ़ने के लिए, आर कॉल्ड कहे जाते हैं क्लाइंबर मतलब आरोही। तो कुछ पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए सब सहारे की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर कहते हैं या आरोही पौधे कहते हैं। आगे दिया गया है, बट दोज हु कैन नॉट क्लाइंब अप इवन विद सपोर्ट आर कॉल्ड क्रीपर्स। अगेन रिपीट, बट दोज हु कैन नॉट क्लाइंब अप इवन विद सपोर्ट आर कॉल्ड क्रीपर्स। इसका अर्थ देखते हैं, बट का मतलब होता है लेकिन, दोज मतलब वे, हु मतलब जो कि, कैन नॉट क्लाइंब नहीं चढ़ सकते हैं ऊपर, इवन मतलब साथ के सहारे से भी, विद सपोर्ट सहारे से, आर कॉल्ड कहे जाते हैं क्रीपर्स मतलब वल्लरी पौधे या रेंगने वाले पौधे। इवन का मतलब होता है यहाँ तक की। तो बट दोज हु कैन नॉट क्लाइंब अप इवन विद सपोर्ट आर कॉल्ड क्रीपर्स। लेकिन वे जो कि नहीं चढ़ सकते हैं, इवन मतलब यहाँ तक कि, विद सपोर्ट आर कॉल्ड सहारे के साथ भी, कॉल्ड क्रीपर्स बल्लरी या रेंगने वाले पौधे कहा जाता है। तो ऐसे पौधे जो सहारे के साथ भी ऊपर नहीं चढ़ सकते, उन्हें हम कहते हैं बल्लरी पौधे कहते हैं। अब यहाँ पर हमको ये नाम दिए गए, इन नामों से हमको चित्र देखकर इन पौधों को मिल, ये फलों को, ये सब्जियों को मिलाना है। पहला जो आपको नाम दिया गया पंपकिन, या फिर हम चित्र देखते हुए चलते हैं। पहला जो चित्र है आपका किसका चित्र है, तरबूज का। तरबूज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटरमेलन। तो वाटरमेलन को आपको क्या करना है, वाटरमेलन की स्पेलिंग क्या होती है, WATERMELON। यहाँ पर आपको वाटरमेलन की स्पेलिंग फाइंड करनी है और उससे आपको मैच कर देना। तो हम देखते हैं, ये वाटरमेलन की स्पेलिंग है, नहीं ये नहीं, ये हमारी वाटरमेलन की स्पेलिंग है। तो हम सी को मिलाएंगे, इस चित्र से मिला देंगे सी को। फिर नेक्स्ट है हमारा, ये जो चित्र हमको दिया गया है इसको देखते हैं। तो ये चित्र किसका है आपका, तोरई का या लौकी का, वो गिलकी का। तो इस चित्र को आप देखोगे, गिलकी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गॉड। तो गॉड को हम किससे मिलाएंगे, स्पेलिंग होती है गॉड की GOURD। तो गॉड को हम मिलाएंगे ई वाले से। तो सेकंड जो हमारा चित्र है वो मिलेगा ई से। फिर नेक्स्ट हमारा जो चित्र है ये किसका चित्र है, मटर का। मटर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पी। पी को, पी की स्पेलिंग होती है PEA। तो यहाँ पर हम देखते हैं पी की स्पेलिंग, तो सेकेंड नंबर पर हमको पी की स्पेलिंग दी गई है बी पर। तो इसको हम इस चित्र से मिला देंगे। फोर्थ जो हमारे पास दिया गया है यह है हमारा कद्दू। तो कद्दू को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पंपकिन। पंपकिन की स्पेलिंग क्या होती है, PUMPKIN। आप भी साथ के साथ रिपीट चलते करते चलिए स्पेलिंग्स को, ताकि आपको भी याद होते रहे। तो पंपकिन की स्पेलिंग है PUMPKIN। तो यहाँ पर स्पेलिंग ढूंढते हैं, तो स्पेलिंग कहाँ मिली आपको, ए पर। तो पंपकिन को आप इस स्पेलिंग को यहाँ से आप इस चित्र से मिला दोगे। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, अंगूर की बेल। तो अंगूर की बेल को हम क्या बोलते हैं, ग्रेप वाइन। क्या बोलते हैं, ग्रेप वाइन। तो ग्रेप वाइन की स्पेलिंग क्या होती है, GRAPEVIN।
एन ई, तो इसमें स्पेलिंग देखेंगे हम जी पर, तो हम इस चित्र को जी से मिला देंगे। नेक्स्ट है हमारा, किसका चित्र है ये? करेला का। करेला को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिटर गोर्ड, क्योंकि ये क्या होता है? कड़वा होता है। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? बी आई जी ओ यू आर डी। तो इसकी स्पेलिंग हमने ढूंढी कहाँ पर? मिली एफ पर। तो एफ को हम इस चित्र से मिला। लास्ट जो चित्र है हमारे पास, ये चित्र किसका है? खीरा का। और खीरा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूकम्बर। तो क्यूकम्बर की स्पेलिंग होती है सी यू सी यू एम बी ई आर। तो हम यहाँ पर स्पेलिंग ढूंढेंगे, तो हमको क्यूकम्बर की स्पेलिंग कौन सा नंबर पर मिली? डी पर। तो डी को हम मिला देंगे सेवन नंबर के चित्र से। तो डी मिल गया सेवन से। तो ये हमने हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। यहाँ पर आपको एक फैक्ट दिया गया, डू यू नो, इसके बारे में पढ़ते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? तो क्या आप जानते हैं? लीव्स आर फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट बिकॉज प्लांट्स मेक देयर फूड इन द लीव्स। अगेन रिपीट, लीव्स आर फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट बिकॉज प्लांट्स मेक देयर फूड इन द लीव्स। तो लीव्स मतलब पत्तियां, आर फूड फैक्ट्री, भोजन की कारखाने होती हैं। ऑफ प्लांट, कारखाने कौन से स्थान होते हैं जहाँ पर किसी भी चीज़ का निर्माण होता है। ऑफ प्लांट मतलब पौधों की, बिकॉज क्योंकि, प्लांट्स मतलब पौधे, मेक बनाते हैं, देयर मतलब उनका, फूड मतलब भोजन, इन द लीव्स पत्तियों में। तो पत्तियाँ पौधे की भोजन की फैक्ट्री होती है क्योंकि पौधे अपना भोजन पत्तियों के अंदर बनाते हैं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं हम? पौधों की फूड फैक्ट्री बोलते हैं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको जो वर्कशीट दी गई है उसमें वोकेबुलरी पढ़ के चैप्टर की रीडिंग लगानी है, और वर्कशीट में एक्सरसाइज दी गई है उसको सॉल्व भी करना है। तो प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।